देने था ऐसे जी साहब को फील कर रहे होते तो मेरे को दवाई खवा दे जय डाली जय मेरी सिलाई करा दे एमएलए से मिले वहाँ के विधायक साहब से मिले आप मगर गोगी से पीछे लेने के काम चला रहा हूँ एमएलए गोगी का मेरा चाचा लगता है मेरे को जोड़ा भी दिया 500 रुपया भी दिया कभी 200 दे देना कभी 800 दे देना एक बुजुर्ग आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे इनका कहना है कि इनके परिवार के द्वारा जो है एक बहुत ही बुरी कंडीशन इनके साथ बनाई गई है इनके साथ जो है मारपीट की गई है आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है आज डीसी करनाल से मिलने के लिए पहुँचे आप देख सकते हैं इनको काफ़ी सारी चोटें भी लगी हुई हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परेशान है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी इनकी कंडीशन जो है सही नहीं है इनसे ना बैठा जा रहा है ना उठा जा रहा है काफ़ी कुछ ये बताते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल जो है क्या कुछ कहना चाहते हैं इनसे हम जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे आपसे अपील करेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिन लोगों ने जो है इनके साथ जो है बुरा बर्ताव किया है उन लोगों को सबक मिल सके। मैं हूं सोनम आप वोट्स न्यूज़ पर ये खबर देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से और दूसरा पक्ष भी जो है सामने आना चाहिए आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं काफ़ी बुरे तरीके से जो इनके साथ मारपीट की गई है इनका हक भी जो है मारा गया है इनके जो ज़मीन है इनके जो बाटे में आती है वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है इनको कोई भी हक जो है परिवार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है और एक व्यक्ति के द्वारा घर में कलेश भी कराया जा रहा है इनको काफ़ी गंदी गंदी गालियां भी दी जा रही हैं और आज जो है ये डीसी करनाल से मिलने के लिए पहुँचे हैं। दूसरे पक्ष से भी हम कहना चाहेंगे कि वो भी सामने आके अपनी बात ज़रूर रखें क्योंकि इन बुज़ुर्ग का जो है एलिगेशन है उनके ख़िलाफ़ कि किस तरीके से उनकी कंडीशन जो है ख़राब करने के पीछे परिवार का जो है बड़ा हाथ है और परिवार का साथ इनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। डॉक्टर का कमार है 55,000 रुपये उसके ही बने दिए पेंशन आई कलाकंद खाई जा का पिया पैसा उसका एक भी नहीं दिया मेरा उसने 5,000 से भी ऊपर नुकसान करा दिया और नाज मंडी बड़ौदा बंक मधुबन वाली सड़क पर मेरा खाता खुला दिया 60 किराया वर्ष का 40 स्कूटरी का मैं अपना काम छोड़ के दे पड़ता हूँ सीट भी ना मेरे पे बैठा नहीं चल रहा तो आपके नाम के खाते चल रहे आपका इस सूरती सही नहीं इतनी दाढ़ी छोड़ रहा है किलो मच्छी का मीट खाता है। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से एक बुजुर्ग को इस तरीके से मारना पीटना घर में एक व्यक्ति के द्वारा क्लेश कराना और उसके बाद बच्चों का भी साथ ना देना घर में रहने की जगह ना देना खाना पीना भी टाइम से ना देना और मारपीट करना आप देख सकते हैं कि कलयुग की जो ये हद है वो काफ़ी ज़्यादा पार होती हुई नज़र आ रही है। बुज़ुर्गों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है काफ़ी बुरा लग रहा है ये देख कर भी सुनकर भी आपको बताते हुए भी काफ़ी कंडीशंस जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि इनको इंसाफ मिलनी चाहिए इनको इनकी जो ज़मीन है वो मिलनी चाहिए इनका जो हक है वो मिलना चाहिए और साथ ही साथ ये जो है अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आज जो है करनाल जिला सचिवालय पहुँचे हैं डीसी साहब से मिलने के लिए पहुँचे हैं उनसे भी अपील है कि इनकी बात को सुनकर जो है साथ दिया जाए और इनके साथ जो भी कंडीशन ख़राब हुई है उनको ठीक करवाने की कोशिश करवाई जानी चाहिए प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए। फिलहाल जो एक पक्ष की हमने बात सुनी है आप तक पहुँचाई है दूसरे पक्ष से भी निवेदन करेंगे कि वो भी अपना पक्ष जो है सामने रख सकते हैं अपनी बात रख सकते हैं और इनके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया गया ये भी वो बता सकते हैं। सारी जनता जो है जानना चाहती है आपसे भी हम अपील करेंगे इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक ये खबर ज़रूर पहुँचे जिन्होंने इनके साथ जो ऐसा किया है। मैं सोनम आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़ कैमरामैन प्रवीण के साथ धन्यवाद।